श्री राम। लंकेश कबो ना टूटी महारानी, लंकेश कबो ना टूटी। हमार शत्रु जेकरा के हमार भ्रम समझे ले, वो हमार आत्मविश्वास है। और लंकेश के आत्मविश्वास ही लंकेश के बल है, सामर्थ्य है। यही से हम अजय बानी, यही से हम त्रिलोक विजेता हैं, यही से हम निश्चिंत बानी महारानी। चली महारानी चली। कहाँ? हमार विजय के उत्सव मनावे। और कहाँ? राउर विजय। हाँ, हमार विजय, राम पर हमार विजय। महारानी मंदोदरी, यह तहा लंकेश के आत्मविश्वास के प्रमाण कि युद्ध से पहले ही लंकेश के विश्वास पा कि विजय हमरे होगी। काल प्रातः हमने लंका पे आक्रमण करब महाराज सुग्रीव। हमने के तब बस राव राज्ञा के प्रतीक्षा बार अभिनंदन। आक्रमण तो हमने के आज ही करे के चाहत रहे, परंतु रावण कुटिल चाल चल के अहिरावण और महिरावण से हमार हारण करवा देलस। ऐसे रावण के मृत्यु एक दिन और आगे बढ़ गई। प्रभु महाराज विभीषण हमनी के लंका के चारों द्वार के बारे में बताइले बाड़े। हमनी के सेनानी नल नील अंगद हनुमान और लक्ष्मण के साथ हम स्वयं उ द्वार सबके और लंका के मध्य के हम अपन लक्ष्य बनाई। प्रभु आपके साथ साथ हम यो आक्रमण करब ना मित्र। रउआ जामवन जी और महाराज सुग्रीव सेना के मध्य में ही रहा, जैसे कि हम पहले ही कह चुकल बानी के मायावी राक्षस सबके पहचान खातिर कौनो भी वानर अपन रूप ना बदली। सब वानर के ही रूप में रही है, केवल महाराज विभीषण और उनकर चार मित्र लक्ष्मण और हम मनुष्य के रूप में रहा। प्रभु श्री राम के जय। 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 हमरा विचार से रवा युद्ध के गंभीरता से नहीं खिले रहा। इंद्रजीत तू और तोहार त्रिलोक विजेता पिता दोनों ही कदाचित ही भूल रहल बाड़ा कि युद्ध के कबो अहंकार से ना जीतल जाला। महारानी क्षमा करी महाराज, किंतु वास्तविकता बतावल हमार कर्तव्य बा। करौवा हमरा के वास्तविकता के पाठ पढ़ावल चाहतनी। ना लंकेश, हम तो रउआ के केवल वास्तविकता के स्मरण करा रहल बानी। बाते वास्तविकता से हमनी भली भांति परिचित बानी। और वास्तविकता यी बा कि हम अजय हैं। तो वास्तविकता यी हो बा महाराज कि राम अकेले ही खर दूषण त्रिशरा सहित 14,000 सेना के अकेले वध कैले बाड़े। वो एगो आकस्मिक घटना रहे माते। तका लंका के दहन भइल आकस्मिक घटना रहे पुत्र। 100 कोस समुद्र पर सेतु बांधल, अहिरावण और महिरावण के साम्राज्य के नष्ट कैल, ई सब आकस्मिक घटना रहे। और इतना कुछ होखला पर तहार पिताश्री के युद्ध खातिर ललकारल, का इहो आकस्मिक घटना बा? राउर मुख से विभीषण के शब्द निकल रहल बा महारानी। रउआ ज्ञानी है महाराज और भली भांति जानतन कि के राउर हित में बोल रहल बा। इहो जानतानी कि का राउर हित में बा और का ना। कृपा करके अपन पुत्र सबके और सेनानी सबके ई समझाई कि दिन के उजाला में आंख बंद करके अपना आप के अंधेरा में समझे के भूल ना करी। श्री राम। महारानी, ये सभा
युद्ध नीति तय करे खातिर बुलावल गईल बा। हमने युद्ध खातिर तैयार बानी। हमने युद्ध खातिर तैयार बानी। हमने युद्ध खातिर तैयार बानी। सुन के मन अति प्रसन्न भयल। जौन सेना के पास धैर्य और शौर्य बा, जीत उहे सेना के होखेला। विजय हमनी के ही होखी पिताश्री। हमनी विजयी होखब। जौन राजसभा में हनुमान और अंगद जैसन मरकट आपन मरकट लीला करके गईल रहलन, हम उही दरबार में लंकेश रउआ समक्ष राम के बंदी बना के प्रस्तुत करब। परंतु युद्ध खातिर युद्ध नीति तय कैल आवश्यक बा अकंपन। युद्ध बाहुबल के साथ साथ बल बुद्धि से भी जीतल जाला। शत्रु सब में का कमी बा, एकर ध्यान रख के ओकर सदुपयोग कैसे करे के बा, ये युद्ध से पहले सोचल आवश्यक होखेला। आपन सामर्थ्य के प्रदर्शन करके शत्रु के मन में भय पैदा करके युद्ध जीतल जाला। शत्रु के मनोबल पर आघात करके ओकर धैर्य के टुकड़ा टुकड़ा करके भी युद्ध जीतल जाला। रघुआ बिल्कुल ठीक कह रहल बानी पिताश्री। हमनी के वानर सेना के मनोबल पे ही प्रहार करे के चाहिए। हमनी राम के सेना में भय बन के उनकर मनोबल के साथ साथ उनकर धैर्य के भी तोड़ देब। राम और लक्ष्मण ये दोनों ही वानर सेना के कमजोरी बाड़े पिताश्री। पिताश्री हमने दोनों में से कौनो एगो के भी मृत्यु दे देनी विजय दौड़त चलाई हमने पास। तब का करे के चाही? आक्रमण ना पिताश्री, हमनी पहले ही तय कर लेले बानी कि हमनी आक्रमण ना करब। हमनी के इतना क्षमता बा कि हमनी एक दिन में समस्त शत्रु के विनाश करके युद्ध के समाप्त कर सकीले। इंद्रजीत के जय। इंद्रजीत के जय। इंद्रजीत के जय। परंतु हमनी लंका के द्वार ना खुला। राम और उकर वानर सेना के हमनी के चारों दीवार से जितना टकराए के बा टकराए दिहल जाए। कहे के हमनी के लंका के अभेद सुरक्षा के भेदन वो करिए नहीं खन सका। अरु अभेद सुरक्षा बा पंचवक्त्रम। पंचवक्त्रम 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 पंचवक्त्रम। हाँ महारानी पंचवक्त्रम। अब तो रउआ निश्चिंत बानी ना कि राम लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर सकत। अब तो रउआई ना कहब कि हम युद्ध के गंभीरता से नहीं खिले रहल। एकाएक रउआ के पंचवक्त्रम कैसे स्मरण आ गई? राजसभा महारानी राजसभा स्मरण दिला देलस। पंचवक्त्रम के उद्भव खातिर एगो यज्ञ कैल जाई महारानी। पंचवक्त्रम लंका के मिलल एगो वरदान है। जब तक लंका के पंचवक्त्रम रक्षा कर रहल बा राम तका स्वयं विष्णु भी लंका पर विजय प्राप्त नहीं खन कर सकत। लंकापति रावण के जय। 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 ओम काल रात्रे त्रिशूल धारण में मम शत्रु सैन्य अस्तम्भनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम काल रात्रे त्रिशूल धारणे मम शत्रु सैन्य अस्तम्भनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम काल रात्रे
त्रिशूल धारण्य मम शत्रु सैन्य स्तम्भनम् कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रे त्रिशूल धारण्य मम शत्रु सैन्य स्तम्भनम् कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रे त्रिशूल धारण्य मम शत्रु सैन्य स्तम्भनम् कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रे त्रिशूल धारण्य मम शत्रु सैन्य स्तम्भनम् कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रे त्रिशूल धारण्य मम शत्रु सैन्य स्तम्भनम् कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रे त्रिशूल धारण्य मम शत्रु सैन्य स्तम्भनम् कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रे त्रिशूल धारण्य मम शत्रु सैन्य स्तम्भनम् कुरु कुरु स्वाहा। लंका में हलचल कैसे माता त्रिचटा? ई त युद्ध की जगह उत्सव के अवसर लागता। लंकेश, पंचवक्त्रम के उद्भव खातिर यज्ञ कर रहल बाड़े सीता। पंचवक्त्रम ई एगो अद्भुत यंत्र होखेला जौन लंकेश के प्राप्त बा। इहे यंत्र के कारण लंका और लंकेश अजय भइल बाड़े। सीता माता त्रिचटा, अपना आपके प्रबल और त्रिलोक विजेता समझे वाला रावण अब मृत्यु से भयग्रस्त बा। ई तो कैसे कह सकेलू? ऐसे काहे कि उछल कपट के आश्रय लेके दुष्ट अहिमही द्वारा रघुनंदन और सौमित्र पर घात करके प्रयास कैलस। अब जब वो में असफल रहल तब वो पंचवक्त्रम के आश्रय लेल चाहता। माता त्रिचटा, दुष्ट रावण के विश्वास डगमगा गइल बा। उ पापी अपन धैर्य खोत जा रहल बा। एही से ता उ तंत्र मंत्र यंत्र ई सबकी शरण में आवल चाहता, परंतु अभी सभ्यों का रक्षा ना कर सकी। वो कितना भी यज्ञ कर लेवे वो कर विनाश निश्चित बा। ओम कालरात्रे त्रिशूल धारण्य मम शत्रु सैन्य स्तम्भनम् कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रे त्रिशूल धारण्य मम शत्रु सैन्य स्तम्भनम् कुरु कुरु स्वाहा। ओम कालरात्रे। तेज हमने के बता रहल बा कि पंचवक्त्रम लंका के सुरक्षित कर देले बा। अब लंका के केहो बुरा नहीं खे कर सकत। माता त्रिचटा, जौन प्रकार मृत्यु अटल बा वही प्रकार दुष्ट पापी रावण के विनाश भी अटल बा। अब ना कोनो पंचवक्त्रम ओकर विनाश के रोक सकी और ना कोनो अष्टवंत्रम। ई रावण यज्ञ में पंचवक्त्रम के भी आहुति देल जाई और ओकर 10 के 10 सिर के भी। लंकेश के जय होखे। का समाचार लाइल बाड़ा? सूर्य उदय होकते राम लंका पे आक्रमण कर दिए। जय श्री राम।